हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। विलिंगटन फ्योनिक्स और सीसीएम के बीच मैच हो रहा है 8 घंटे 47 मिनट के बाद। तो गाइस, इस मैच की फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो वेलिंगटन फ्योनिक्स और सेंट्रल कोस्ट मराइनर्स के बीच जो मैच हो रहा है, लिटरली एक ज़बरदस्त मैच है जिसमें कि सेंट्रल कोस्ट मराइनर्स ने 5-0 के स्कोर से हरा दिया वेलिंगटन फ्योनिक्स को। मतलब ये तो मैं सोच नहीं सकता था, 5-0 नहीं सोच सकता यार, 2-1। मतलब मेरे को लगा था ड्रॉ हो जाएगा या हद से हद जीतेगी तो वेलिंगटन फ्योनिक्स, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन उल्टा सेंट्रल कोस्ट मराइनर्स ने 5-0 से हरा दिया इनको। मैं तो मतलब दंग रह गया था उस मैच में। तो बात करें दोबारा से, इनके बीच मैच है 5 अप्रैल को भी हुआ था जो मैं बता रहा हूँ। ऑलिवर सेल को यहाँ पर मैं लूँगा, पिछले मैच में भी यही था, वो तो क्लीन शीट लग गई थी ऑपोजिट टीम की, सो वो तो थोड़ा बहुत सेव हो गया, लेकिन आज तो मैं उसी हिसाब से टीम बना रहा हूँ कि सेंट्रल कोस्ट मराइनर्स के फेवर में। एंड आगे से बात करें फैरल की, देन यहाँ पर जैकोब फैरल तो मेरे हर वक्त टीम में रहता है, और एक ये बंदा जो है ना हैच, मेरे को हैच का समझ नहीं आता, इतना अच्छा खेलता है ना, इसको प्लेइंग 11 में क्यों नहीं उतारते हो यार। आज तक इसने इस सीज़न का एक भी मैच प्लेइंग 11 में नहीं खेला, मुझे बहुत बुरा लगता है। जब बंदा फॉर्म में है, हर बार कंटिन्यू सब्स्टिट्यूशन पे गोल तक कर रहा है एक मिडफील्डर, तो उतारते क्यों नहीं हो उस प्लेयर को प्लेइंग 11 में, मेरी तो बात ही नहीं समझ में आती है। तब तक के लिए एल मिलर ले लीजिए, लेविस मिलर भी काफ़ी कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म करके गया था, 102 पॉइंट्स जो इसने दिए थे उसमें 2 असिस्ट थी गाइज, और इस बेचारे का गोल भी होने लगा था जो कि होता होता रह गया। एंड रॉवल्स की बात करें तो रॉवल्स कई लोगों का पसंदीदा प्लेयर है, जो कि जो लोग सेंट्रल कोस्ट मराइनर्स को काफ़ी बड़ी टीम मानते हैं उनकी नज़र में रॉवल्स एक अनदर लेवल प्लेयर है। एंड आगे से बात करें सुरमैन की, देन फिन सुरमैन को यहाँ पर मैं लूँगा फॉर क्रेडिट सेविंग, क्योंकि क्रेडिट बचाने थोड़े बहुत, बाकी अगर लॉज हो गया, फेंटन हो गया, इनमें से कोई खेलता है तो आप ट्राई कर लेना, बाकी तब तक के लिए इस प्लेयर को लीजिए। आगे से बात करें सैंडोवल की, देन सैंडोवल इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर गोल एंड असिस्ट, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है गोल असिस्ट का, और बाकी वाइस कैप्टन का भी। अगर कई लोगों को वाइस कैप्टन ऑप्शन ना मिल रहा हो तो आप इसको आँख बंद करके रख सकते हैं। पिस्कोपो की बात करें, रैनो पिस्कोपो ने भी किया पिछले मैच में असिस्ट, हर प्लेयर इनका कुछ ना कुछ करके गया, क्योंकि 5 गोल हुए थे, 5 गोल कोई मजाक नहीं है। लेविस को मैं नहीं ले रहा, खेल नहीं रहा वो, बीन ए कॉलो इज़ अ पेनल्टी टेकर, और सॉरी इनके प्लेयर कुछ नहीं करके गए थे, मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि जीती सेंट्रल कोस्ट मराइनर्स थी, इस बात को माइंड मत करना यार, मैं नकोलो की बात कर रहा था। नकोलो एक पेनल्टी टेकर को, इसको एक पेनल्टी टेकर घोषित कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रही क्यों, क्योंकि इनके पास तो और भी पिक्स थी यार, इन्होंने नकोलो को पेनल्टी टेकर बना दिया, ऐसा क्या देख लिया इसने। मतलब बाकी अच्छी चीज़ है, प्रोग्रेस हुई है प्लेयर की, मैं तो उल्टा खुश हो रहा हूँ। एंड निस्बेट की बात करें, तब तक के लिए जॉशियो निस्बेट को भी लेंगे, क्योंकि निस्बेट भी आपको बढ़िया प्लेयर मिलता है, इसकी जगह अगर आप कुछ बदलाव करना चाहें तो आप हद से हद एक स्ट्राइकर ले सकते हैं या एक डिफेंडर, अब वो आप पे डिपेंड है। आगे से बात करें, एमुरैना को मैं नहीं ले पाया, और मेरे को अगर ये मेरी टीम से छूट गया तो मुझे ज़्यादा कुछ दुख नहीं है, हालांकि कुछ नहीं, एक आध गोल ही कर पाएगा ये, बाकी मैं उसकी जगह कमिंग्स ले रहा हूँ, उस पर मुझे ज़्यादा उम्मीद है, मुझे उस पर एक से भी 2 गोल की उम्मीद है। एंड सित्रॉय की बात करें, जेम्स सित्रॉय के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको कहा था सेंट्रल कोस्ट मराइनर्स के साथ अगर खिलाफ खेल गया तो कम से कम 1 गोल कर देगा, बट इसने खेला नहीं, WST के खिलाफ 2 गोल कर दिए, सो मैं जेम्स के साथ हूँ। बात करें कैप्टन की, मेरा कैप्टन है कमिंग्स, वाइस कैप्टन है सित्रॉय, ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।